दोस्तों आज मैं गोवा से रायपुर जा रहा हूँ। मेरा इस पसीनों में, ये देखो ये मेरा गाड़ी है। आज इधर से मैं जाऊँगा गोवा टू रायपुर। आपको मैं पूरा रास्ते का सफ़र भी दिखाऊँगा और दिखाऊँगा कि 1200 किलोमीटर में नॉन स्टॉप कैसे जाता हूँ इसमें। किलोमीटर तो मैं स्कूटर से सफ़र करने वाला हूँ पूरा 1200 किलोमीटर नॉन स्टॉप। मैं आपको जो है ना रोड का पूरा ट्रिप दिखाने वाला हूँ। तो जब मैं घर से निकला था तभी तो पूरा अंधेरा था, और अभी देखो सूरज उगा है। देखो पेट्रोल पम्प है ना, आपको मैं दिखाता हूँ। देखो सूरज उगा है। चलो आगे कंटिन्यू रास्ता कंटिन्यू करता है। हमें लगता है गोवा का बॉर्डर आने के लिए अभी और एक आधा घंटा बचा है। आधा घंटे में गोवा का बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे हम। तो हम अभी बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं। ये देखो ये जो बहुत बड़ा घाट है, मैं आपको दिखाता हूँ। रोड बहुत आड़ा तेरा है, मतलब ये लास्ट घाट है। मतलब ये घाट आपने पार किया, मतलब जो है गोवा क्रॉस कर लिया, गोवा पार कर लिया। बस अब ये गोवा का बॉर्डर ही है समझो। तो बस सोचा कि इंजन थोड़ा सा ठंडा होने दे, बहुत दूर चल लिया ना, 50-60 किलोमीटर चल लिया, थोड़ा सा इंजन ठंडा हो रहा है, थोड़ा रिफ्रेश हो गया, पिशाब भी कर लिया मैंने, है ना। तो आपको मैं दिखा तो रोड कैसा आड़ाते रहा था, घाट ऊपर तरफ जा रहा है, आपको कंटिन्यू दिखाता हूँ अभी। और मुझे लगता है एक आधा घंटे में जब हम गोवा क्रॉस कर लेंगे। अभी आगे कोई गाँव नहीं है, जस्ट जंगल ही जंगल, घाट ही घाट है। घाट क्रॉस किया मतलब उधर बेलगांव आ गया। दोस्तों यहाँ का नज़ारा तो देखो कैसा है नीचे। वाह पहाड़ पे देखो, मैं एकदम पहाड़ के ऊपर हूँ। ये देखो हाँ टॉप में हूँ मैं, एकदम ऊपर ऊपर ज़रा सा और पहाड़ है, और भी ऊपर हम जाएंगे गाड़ी लेकर के। वो मेरा गाड़ी उधर पार्किंग किया है। ये देखो नीचे का नज़ारा देखो, उधर नीचे बहुत बड़ा सा एक डैम है इधर। ये देखो डैम पहाड़ है, वो एक्चुअली पहाड़ के ऊपर ही डैम है ना, चारों ओर से पहाड़ ही पहाड़ है। ये देखो, और मैं अभी आया इस रोड से। ये देखो पूरा घाट है, बहुत बड़ा घाट है एक्चुअली, पहाड़ के ऊपर ही, घाट के ऊपर ही वो ये है, वो क्या बोलते हैं उसको, डैम है वो। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, वाह क्या नज़ारा है। देखो ये नीचे का नज़ारा देखो, ये रोड है ऊपर, इधर पहाड़ है साइड में, और ये नज़ारा देखो नीचे का। दोस्तों अब हम और भी ऊपर आ गए, आपको अभी डैम दिखाता हूँ जूम करके। वो देखो डैम अभी दिख भी नहीं रहा होगा आपको, ये देखो पूरा नीचे पहाड़ ही पहाड़ है। हम अभी इधर ऊपर आ गए, ये देखो और थोड़ा सा ऊपर है, टॉप इतना ही है, बाकी इसके ऊपर पहाड़ नहीं है। ये देखो, और आपको मैं वो डैम दिखाता हूँ किधर रह गया वो डैम, जो मैं आपको नज़दीक से दिखाया था। वो देखो डैम रह गया, वो देखो, हम लास्ट टाइम ये वाला पार्क यहाँ से जो है ना हमने वीडियो दिखाया था आपको। ये देखो कितना नीचे रह गया, हम एकदम अभी ऊपर आ गए। फाइनली जो लिखा है इधर, वेलकम टू कर्नाटका, यस हम गोवा क्रॉस कर लिया, ये देखो बोर्ड पे लिखा है। तो अभी यहाँ से जो है अभी वो घाट ख़त्म हो जाता है। ये देखो नीचे पूरा वाइट वाइट आसमान ही आसमान दिख रहा है जैसा लग रहा है। देखो वो देखो नीचे पूरा छोटे छोटे पहाड़ ही पहाड़ दिख रहा है, गांव भी दिख रहा है, वो देखो कुछ घर भी दिख रहे हैं नीचे एकदम। हम पूरा टॉप में है ऊपर, नीचे पूरा बड़े बड़े पहाड़, देखो हम एकदम टॉप में है अभी। एक होटल मिला है छोटा मोटा, तो सोचा कि अभी सुबह से कंटिन्यू गाड़ी चला रहा हूँ, तो सोचा कि चाय पानी पी लो, तो नाश्ता करने के लिए मैं अभी रुका हूँ। अभी देखते ऑर्डर किया कुछ पाव भाजी कुछ ऑर्डर किया है, अभी खाना खाने के बाद वापस कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे। अभी और बेलगांव जाने के लिए अभी और एक घंटे लगेंगे बोले, ऐसे फुल जंगल वाला रास्ता ही है, पर प्लेन रास्ता, अभी घाट खत्म हो गया। ठीक है आगे देखते। दोस्तों फाइनली मैं बेलगांव पहुंच गया। ये देखो इधर मेरे पीछे आगे जो है ना कुछ ये पार्क है, मैं आपको दिखाता हूँ उधर पीछे साइड। ये देखो बेलगांव में शिवाजी महाराज का जो मूर्ति है, ये देखो इधर दिख रहा है आपको, ये कोई एक पार्क है लगता है इधर। जस्ट अभी मैं इधर पहुंचा बेलगांव में, तो अभी तो मुझे बहुत लंबा जाना है, तो सोचा कि बेलगांव में पहुंच गया तो मैं आपको बता दूँ। ये देखो इधर का एरिया देख लेते, ये पूरा पार्क है, वो बड़ा पार्क, बहुत बड़ा है पार्क। उधर पीछे एक चिल्ड्रन पार्क भी था। ये देखो ये तो ये मेरा हाईवे है, मैं इधर से आया हूँ। ये देखो ये मेरा गाड़ी। दोस्तों तो मैं जा रहा था, पता आपको मुझे क्या दिखाई दिया,
ये देखो घोड़ा, ये देखो रोड के साइड में इधर घोड़ा, तीन तीन घोड़ा एक जगह पे, वो देखो मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ, मस्त है, तीन तीन घोड़ा, लाल घोड़ा, उसके पैर में रस्सी बांध के रखा है देखो, मतलब भागना नहीं चाहिए इसलिए, लगता बहुत तेज भागता होगा इसलिए रस्सी बांध के रख दिया, बेचारा कैसा लंगड़ के चल रहा है देखो, तीनों को पैर में ऐसे बांध के रख दिया, यहाँ का आपको मैं लोकेशन दिखाता हूँ कैसा, देखो पूरा बंजर है, खेती कर रहे लोग इधर, और ये है हाईवे जहाँ से मैं गांव जा रहा हूँ अपना, ये देखो मस्त एकदम लोकेशन, तो रास्ते से जा रहा था और एक कुछ नया दिखाई दिया, ये देखो बहुत ही छोटा सा इमली का जा रहा है, पर देखो इसमें बहुत ही खूबसूरत इमली हुआ है, बहुत अच्छा अच्छा इमली हुआ है, और इधर लगता है कुछ फूल का जो है ना खेती भी करते हैं, मैं आपको नजदीक जाके दिखाता हूँ फूल का कैसा खेती होता है, मैं पहला बार देखा था फूल का खेती करते हुए, देखता हूँ आपको जाके दिखाता हूँ, मेरे गाड़ी साइड में रखा अभी हाईवे के साइड में, उधर नजदीक जाके देखेंगे कैसा क्या हो रहा है, कैसा खेती कर रहे हैं लोग फूल का, ये क्या फूल का खेती हो रहा है, कन्नड़ नहीं हिंदी हिंदी नहीं आता, अरे अरे वो फ्लावर खेती, हाँ और वो दूसरा फ्लावर ना चंडू, कौन सा फ्लावर हो, चंडू चंडू चंडू, हाँ और ये वाला वाइट, हाँ वाइट फ्लावर, हाँ वाह कितना खूबसूरत दिख रहा है वो, ए कलाटा, कौन सा कलाटा, कलाटा और ये क्या है, ये क्या है, कडली, अच्छा दोस्तों, भूख लगा है तो सोचा कि एग राइस ऑर्डर किया मैंने, अभी एग राइस करा इधर रोड के साइड में से बैठा है ठेला टाइप ऐसा, वो देखो शॉप पूरा उसका, तो अभी एग राइस खाओ, बाद में वापस जो है कंटिन्यू करेंगे, वो देखो ये रख जा रहा है ये, और ये मेरा गाड़ी, ये मेरा गाड़ी, वापस कंटिन्यू करेंगे, पहले खाना खाएंगे उसके बाद, थोड़ा भूख लग गया दोस्तों। देखो सोलर पैनल से जो है ना पावर प्लांट बनाया, देखो कितना बड़ा, ये हाईवे के साइड से ही है ये देखो, बहुत ही बड़ा है, पूरा हजारों प्लेट लगा हुआ है, अरे बाप रे, दोस्तों सुबह हो चुका है और मैं रात को एक होटल में रुका था, रात को 8 बजे तक गाड़ी चलाया, बाद में मैंने एक होटल में रुका, अभी देखो सुबह हो गई, देखो सूरज उग रहा है, वो देखो लाल लाल दिख रहा है अभी, वो देखो अभी सूरज उग रहा है सुबह सुबह, बड़ा सा लाल सा दिख रहा है, देखो चाय रेडी हो रहा है, चाय हो जाएंगे तो वापस जो हम कंटिन्यू करेंगे गाड़ी चलाना, देखो अभी चाय बन रहा है इधर, चाय पियेंगे और वापस कंटिन्यू, अभी जूस पियेंगे, इधर देखो गन्ने का जूस निकल रहा है, वो उधर मेरा गाड़ी साइड में किया, अभी जूस पियेंगे बाद में कंटिन्यू आगे जाएंगे,
वो देखो पानी गिर रहा है पता नहीं यार क्या सिस्टम है, कुछ मालूम नहीं पड़ा है, लग रहा है ऊपर कुछ ढक्कन टाइप था जो टूट गया, पता नहीं क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूरा पानी बस गिरते जा रहा है। अरे बहुत फास्ट गिर रहा है, एकदम बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, मतलब मुझे तो एक एक मिनट में एक एक 100 लीटर पानी गिर रहा होगा, इतना पानी गिर रहा है इसमें, कमा रहे थोड़े लोगों को पानी मिलता नहीं। और देखो इधर क्या हो रहा है, अरे मेरा बैग मेरे गाड़ी के ऊपर बैठ गया, तू बैग फाड़ा नहीं ना? अरे 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 सीट 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 का क्या हाल कर दिया इसका, फाड़ दिया यार। उधर मैं इनका फ़ोटो निकालने को गया, 2 मिनट आके देखो मेरा सीट ही फाड़ दिया। शी शी शी, अरे अरे वो तो अच्छा हुआ मेरा बैग अभी तक फाड़ा नहीं है लोगों ने बैग फाड़ना बाकी था अभी तो दोस्तों अभी मैं चल रहा हूँ इसमें नागपुर हैदराबाद हाईवे में, जो बड़ा हाईवे है, देखो 4 लेन हाईवे है, ये देखो 4 लेन हाईवे दिख रहा है आपको। तो इधर जो ढाबा है, तो इधर मैं खाना खाने को बैठ रहा हूँ अभी। इसका ढाबे का नाम है सुरेश फैमिली ढाबा, ये देखो सुरेश फैमिली ढाबा। तो अभी मैं उधर ये खाते में बैठने वाला हूँ खाना खाने के लिए, कुछ खाना ऑर्डर किया मैंने तो अभी बन रहा है वो, तो अभी देखते हैं क्या होता है। पहले इधर खाना पीना कुछ खाता हूँ, बाद में फिर कंटिन्यू जाएंगे नागपुर रोड में। अभी नागपुर रोड में मुझे कम से कम याद लगता है 200 किलोमीटर तो नागपुर रोड भी चलना पड़ेगा मुझे, बाद में वहाँ से चंद्रपुर साइड जाना पड़ेगा वो मेरा गाँव जाने के लिए। चलो देखते हैं कंटिन्यू आगे। दोस्तों वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ, देखो उधर एक बच्चे को ना एक कार वाले ने आके मार के चला गया, छोटा सा बच्चा मतलब 8-10 साल का होकर रोड क्रॉस कर रहा था उधर से, और एक कार वाला आके मतलब ठोक के चला गया उसको, मतलब जगह पे ख़त्म हो गया वो। उधर उसके मम्मी लोग सब लोग रो रहे हैं, मैं उधर दूर से देख रहा, मैं नज़दीक नहीं गया, वो भीड़ जमा हो गया उधर। तो आप लोग गाड़ी चलाते हो प्लीज़ यार संभाल के चलाया करो, इसलिए बहुत 4 लेन है, एकदम हाईवे है ना वो, मतलब हैदराबाद टू नागपुर हाईवे है वो, उधर ही एक्सीडेंट हुआ। फाइनली दोस्तों 40 घंटे सफ़र करने के बाद मैं अपना गांव पहुंच गया। ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, ये हमारा जो छोटा मोटा जो एक शहर है वहाँ का सर्कल है। तो फाइनली मैं अपना घर पहुंच गया 40 घंटे सफ़र करने के बाद। एक्चुअली रात का मैं वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि रात को पूरा अंधेरा था, तो मैं वीडियो बना नहीं पाया। एक्चुअली पहला रात तो मैं लॉज में सोया, दूसरा वाला रात फुल नाइट गाड़ी चलाया, फाइनली मैं पहुँचा अभी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।